दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रिएटिव बुकिंग फॉर्म। तो मेरे पास डेमो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा डेमो है। ये बैकग्राउंड है वो आप लीनियर ग्रेडियंट दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा ये जो बॉक्स है वहाँ पर भी लीनियर ग्रेडियंट ही बैकग्राउंड है, लेकिन देख सकते हैं आप थोड़ा इफेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे क्रिएट करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप ये बेसिक प्रॉपर्टी देख सकते हैं, मार्जिन पेडिंग, बॉक्स साइजिंग, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड आउटलाइन। और यहाँ पे बॉडी टैग को मैंने मीन हाइट दे दी है 100, वर्टिकल हाइट, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि मेरा जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले मैं फॉर्म टैग ले लेता हूँ, ठीक है। हमें जो भी कुछ क्रिएट करना है फॉर्म टैग में क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पहले एक्शन और उसके बाद मेथड, ये डेवलपर के लिए इसे हमें ब्लैंक लगा देना है। और यहाँ पे डीवी ले लेना है और यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ लॉग इन फॉर्म, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, वरना लिख ही लेता हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अब जो इसकी विथ है, विथ मुझे दे देनी है 300 पिक्सल दे देता हूँ। और इसकी जो हाइट है वो मुझे अभी ऑटो रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे पेडिंग है वो मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब सेव करके रिफ्रेश। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड सेट करवाना है, ठीक है। बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट से ही करवाऊँगा। तो देखिए ये ट्रिक है वो कैसे वर्क करती है आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे चलो मान लो मैं रेड और यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ कलर, ठीक है। ये रेड ब्लू आ गया है। अब इसको मैं 50% कर देता हूँ और इसको भी मैं 50% कर देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो ऐसे हो गया। तो ये दोनों हमें कलर ले लेने हैं यहाँ से कलर कॉप में से। तो पहला तो ये कलर है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ ब्लू की जगह, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू है वहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो दूसरा वाला कलर है ना, ये कलर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रेड की जगह लगा देता हूँ, ठीक है। अब इससे मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश। वहाँ पे आप देख सकते हो गए। अब इसको मुझे क्या करना है, सिर्फ कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में चले जाना है, वहाँ पे लगा लेना है और यहाँ पे सिर्फ इसको माइनस दे देना है, यानी कि रिवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये मैंने पेडिंग दी थी लॉगिन फॉर्म में, वो पेडिंग आ रही है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप ये, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही हो गया। ये हमारा बॉक्स है, अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूँ तो आपको पता चल जाएगा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, अभी के लिए ये बॉर्डर रखता हूँ तो भी आपको पता चल सके, ठीक है। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले क्या करनी है, हमें एक इमेज ले लेनी है। इमेज ले लेता हूँ मैं, इमेजेस मेरे पास फोल्डर में, यहाँ पे इमेजेस मेरे पास अभी एक है, सॉरी CSS नहीं, इमेजेस। यहाँ पे s.svg इमेज मैंने लगा के रखी है। अब यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसकी जो विथ है वो मैं कर देता हूँ 200, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये आ चुकी है लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म में जो भी मैं कंटेंट लिखूँ वो सेंटर में मुझे चाहिए, टेक्स्ट लाइन में सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैं एक यहाँ पर इमेज के बाद एक DAV ले लेता हूँ, DAV को मैं क्लास दे देता हूँ लॉगिन बॉक्स, और इनपुट बॉक्स भी आप दे सकते हो। मैं इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ,
ठीक है, इनपुट बॉक्स, और उसके अंदर स्पान, ठीक है, वहाँ पे मैं लगा लेता हूँ यूज़र नेम, और उसके बाद है वो मैं लगा लेता हूँ इनपुट, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे प्लेस होल्डर, एग्जाम्पल ए बी सी एट द रेट एक्स वाई जेड डॉट कॉम, ठीक है, ये हो गया। अब सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देख लीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ सेटिंग करना है। इनपुट बॉक्स है जो, इनपुट बॉक्स, उसकी पहले तो विथ में कर देता हूँ 100%, ठीक है। अब इनपुट बॉक्स में जो स्पान है, यानी कि ये इनपुट बॉक्स, उसके अंदर जो स्पान है वो, ठीक है, इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद है वो इनपुट, ठीक है। तो ये स्पान है, ठीक है, उसका कलर है अभी मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है, वाइट है, ये सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं अभी कर देता हूँ लेफ्ट, क्योंकि जो हमने ऊपर सेंटर दी थी वो यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको विथ है मैं दे देता हूँ 100%, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पेडिंग लगा देता हूँ टॉप बॉटम 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल। अब ये देख सकते हो आप, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी नहीं, अब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या कहें, इनपुट को मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप लगा देता हूँ 3 पिक्सल, सेव करके रिफ्रेश थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और इसको मैं बॉक्स को पूरा का बॉक्स को मैं मार्जिन टॉप लगाता हूँ 5 पिक्सल, यानी कि 10 पिक्सल भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप सेव करके रिफ्रेश, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब क्या हुआ, ये क्रिएट हो गया, तो इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा आ गया यूज़र नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको लगा देना है पासवर्ड, ठीक है, और टेक्स्ट में पासवर्ड, और एग्जांपल है वो, यहाँ पे प्लेस होल्डर निकाल देना है, और यहाँ पे स्टार दे देना है। देखिए ये हो चुका है, स्टार थोड़े कम पड़ रहे, अब देखिए, ठीक है। अब उसके बाद लॉगिन है वो आ जाएगा, तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इनपुट बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और स्पान को यहाँ से निकाल देता हूँ, और भी नेम प्लेस होल्डर सभी को निकाल देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ लगा देता हूँ सबमिट, और यहाँ पे जो वैल्यू है वैल्यू में लगा देता हूँ लॉगिन, ठीक है, सेव करके रिफ्रेश, आप देख सकते हो, ये देखिए ये लॉगिन बटन आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें बॉर्डर देनी है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ सबमिट बॉक्स, और यहाँ पे पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी में यहाँ से उठा लेता हूँ, यानी कि आप इसको भी उठा सकते हो, ये देखिए इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इनपुट बॉक्स, यहाँ पे लगा देता हूँ सबमिट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे उसका बैकग्राउंड है वो मैं लगा देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सेव करके रिफ्रेश, देखिए अब मार्जिन टॉप है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे अभी 25 पिक्सल, ये देखिए, ठीक है। अब बॉर्डर है उसकी, पहले तो मैं बॉर्डर को नन कर देता हूँ, यानी कि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर निकाल देता हूँ, और उसके बाद अपनी बॉर्डर सेट कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये देखिए ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये इसका जो कलर है उसको भी मैं वाइट कर देता हूँ, सेट सेव करके रिफ्रेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वाइट बॉर्डर आ रही है, उसको हमें निकाल देना है जो हमने यहाँ पे सेट की थी हमारे फॉर्म में, ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बन चुका है, तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, आप देख सकते हो मिनिमम यहाँ पे 320 तक आप जा सकते हो, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।